बाद में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना आरंभ करने के लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पशुपालकों और किसानों को आर्थिक उन्नति होने के साथ ही सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। बता दें कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण 1 साल के लिए दिया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज नहीं देना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस राशि का उपयोग पशुपालक पशु खरीदने, पशु शेड और खेली का निर्माण, बांटा आदि खरीदने के लिए कर सकेंगे। ये है कि हमने 5 संकल्प लिए, 5 संकल्प हमने लिए हैं प्रबंधन ने, एमडी साहब ने, हमने मैनेजमेंट बोर्ड ने, कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख लीटर का टारगेट संकलन का करना चाह रहे हैं। दूध संकलन हम 5 लाख लीटर प्रतिदिन का करेंगे, दूध के विपणन का 3 लाख प्रतिदिन का करेंगे। और इस साल में अजमेर डेयरी 1 मार्च तक ऋण मुक्त हो जाएगी, जिस पर 320 करोड़ का कर्जा से प्लांट बना और हमने करीब 100 करोड़ 80 करोड़ का ब्याज दिया। किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें क्वालिटी से, इसके लिए हमने विलेज लेवल पे भी एडल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए किटें दिए हुए हैं, इनको स्क्रीन दिए हुए हैं, सीलिंग के लिए हमने बीएमसी दिए हुए हैं जिससे हमारी कोल्ड चेन मिलती है, और हमारे रजिस्टर्ड फार्मर्स उनको ही हम बोले तो किसी वेंडर या चलते फिरते उसके दूध का हम किसी तरह का इंटरव्यू नहीं करते। क्वालिटी यदि डिटेरियोरेट है तो हम उसको कैश ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी स्थिति में हम उसको। उधर उनियारा उपखंड क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर टोल वसूली के बाद भी जगह जगह मौत के गड्ढे बने हुए हैं। बता दें कि NH-148D उनियारा गुलाबपुरा और NH-116 टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर मौत रूपी गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और हर पल दुर्घटना का अंदेशा रहता है। वहीं इस गंभीर मामले को देखते हुए उनियारा पूर्व उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने NHAI के अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन NHAI के अधिकारियों सहित जिले के आला अधिकारियों ने इस जटिल समस्या पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते वाहन चालकों को टोल देने के बाद भी मौत की सड़कों पर मजबूरन सफर करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है उनियारा से, जहां पर वाहन चालकों को ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, ये साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहां कभी भी कोई सा भी हादसा जो है दस्तक दे सकता है, तो वाहन चालकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और लगातार जो है यहां से जो आम जनता है वो परेशान भी है। तो निकल रहे हैं जिन पर होकर टोंक सवाई माधोपुर जी नेशनल हाईवे है, वो दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़े होने के कारण यहां के भारी वाहनों की भारी आवाजाही रहती है, लेकिन उनियारा से जो सवाई माधो की तरफ जो रास्ता जाता है बाईपास पर, उसमें भारी गड्ढे बने हुए हैं। बाईपास जो लिंक रोड है, लिंक रोड पर गड्ढे इतने गहरे गड्ढे हैं कि उनमें छोटी छोटी गाड़ियां तो फंस जाती हैं और बड़े वाहन जो भारी वाहन आते हैं वो भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों रोड पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है और टोल टैक्स वसूलने का तात्पर्य ये होता है कि जनता को सुविधाएं रोड के संबंध में उपलब्ध करवाई जाएं, लेकिन टोल टैक्स वसूलने के बावजूद सर ठेकेदार द्वारा उन गड्ढों को ठीक नहीं करवाया जा रहा है, ना ही उनकी मरम्मत की जा रही है। हाईवे है, इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, और नेशनल हाईवे पर इस तरह की सड़क खासकर मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें दुर्घटना होने की पूरी संभावना है और यात्रियों को बरसात के टाइम पर काफी परेशानी हो रही है। उधर अलवर कलेक्ट्रेट गेट पर गुरुवार को 30,000 रुपए की रिश्वत मामले में होमगार्ड को फंसाया गया था। उससे प्लॉट खरीदने की बातचीत की और उसकी रकम को रिश्वत देना बताया, फर्जी तरीके से रिश्वत लेने का ऑडियो बना लिया। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। मामले की जयपुर तक शिकायत होने के बाद जांच में पता चला कि ये मामला झूठा है। अब एसीबी ने प्रवादी और इस षड्यंत्र में शामिल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं पुलिस उपाधीक्षक ने शिवाजी पार्क थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो षड्यंत्र के तहत जो है रिश्वत मामले में होमगार्ड को फंसाया गया है, फर्जी तरीके से रिश्वत लेने का
ऑडियो भी बनाया जिसके अंदर जांच के दौरान एसीबी ने मामले को झूठ बताया है। बता दें कि धोखाधड़ी के अंतर्गत जो है यह मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसे प्लॉट खरीदने की बातचीत को लेकर उसकी रकम को रिश्वत बताया गया, फर्जी तरीके से रिश्वत लेने का ऑडियो भी ट्रैक किया गया। साथ ही आपको बता दें कि एसीबी ने यह मामले को जो है दर्ज कर लिया है। महबूब जो इसमें परिवादी बना था, वक्त लेन देन आदान प्रदान के समय जब आदान प्रदान की कैसेट को सुना गया, रिकॉर्डर को सुना गया, तो उसमें तायद हुआ कि जिसकी ये शिकायत कर रहा है नौकरी को लेने को, नौकरी की एवज में पैसा मांग रहा है, ऐसे तथ्य उसमें नहीं पाए गए। जमीन के सौदे को लेके साई के पेटे के तीन प्लॉट के लेके 10-10 हजार के 30 हजार रुपए लेना पाए। उधर भिवाड़ी के कमलेश ज्वेलर्स के मालिक की हत्या लूट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाश को हरियाणा से पकड़ा। इस दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। बदमाश नीचे गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। वहीं तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अनिल संभल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लंबे समय से वो हांसी यानी हरियाणा में रह रहा था। वहीं तिजारा डीएसपी ने बताया कि जब पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए भागने लगा तो वहीं इस दौरान गिरने की वजह से उसके दाहिने पैर और हाथ में चोट लग गई। अनिल को भिवाड़ी लाकर जो है सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अस्पताल के आसपास नहीं आने और जाने दिया जा रहा है। उधर बानसूर में गांव बुटेरी के पास ढाड़ी गीदावाली में देर शाम जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि भतीजे के मकान में रिपेयरिंग का मलबा दीवार के पास खाली जमीन में डालने पर भतीजे और चाचा के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़े में तीन लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए जिसमें दो चाचा और एक भतीजा शामिल है। वहीं भतीजे की पत्नी ने बताया कि हमारे मकान का मलबा हमने मकान की दीवार के पास डाल दिया जिसके कारण हमारे साथ मारपीट की गई। वहीं सूचना मिलने पर जो है मानसूर थाना पुलिस उपजिला अस्पताल पहुंची जहां घटना की जानकारी ली। हालांकि अभी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। हमारे दो फुट भी गए, हमारे दो फुट हमने पुश भी बांध दिए रोज ना पानी छोड़े कि मैं का पानी हमारा कमरा पूरा फट गए। हमारे तीन मकान तोड़ रहे हैं रोज, सिर्फ हमारे इतने चौबे पड़ते हैं, हम एक खाट के पांच मेंबर सोते हैं। तो हमने पहले बोल रहे मैं गोल खड्डा खोदूंगा, फिर के गए मैं करा अब परा में फेंकोगे, मैं क्यों फेंकोगे आप या बताओ। बोले ना फेंकूंगा, मैं बोले ना आज ऐसे आओ जब बात कर ली तो मैं ही नन लेने गई। दोनों भाई मेरे चिपट गए कपास का इंधन, उसमें पटक लिए मुझे कपड़े फाड़ दिए। उधर राजस्थान के अजमेर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 63,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि यह पूरा मामला 2023 रामगंज थाना क्षेत्र का है जहां आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जयपुर लखनऊ सहित कई जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि नाबालिग की मां ने रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। तो वहीं रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई है। बता दें कि न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी कमल किशोर को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 63,000 के जुर्माने से भी दंडित किया है। बता दें कि अभियोजन की ओर से 9 गवाह और 38 दस्तावेज प्रदर्शित जो है किए गए हैं। रामगंज का मामला है, घटना 6/5/2023 की है और इसमें जो आरोपी था कमल किशोर, उसने पीड़िता के साथ नजदीक गया बढ़ाकर और फिर इसको बहला फुसलाकर अलग अलग स्थानों पर ले गया, उसको जयपुर ले गया, लखनऊ ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म कार्य किया। फिर उसकी माँ ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और 16/6/2023 को आरोपी को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की और इसमें आज पॉक्सो 2 न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें कमल किशोर को 20 साल का कठोर कारावास व 63,000 जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से 9 गवाह 28।
उधर अलवर के अरावली विहार पुलिस थाना अंतर्गत शांतिकुंज स्थित निम्स में कार्यरत एक नर्सिंग महिला कर्मचारी के गले पर झपट्टा मारने का करने का जो है मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलने के बाद अरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि अलवर निम्स में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास 7:45 पर अपनी ड्यूटी पर भवानी तोप की तरफ से पैदल आ रही थी, तो रास्ते में पीछे से बाइक सवार दो लोग जो है आए और उसके गले पर झपट्टा मारा। जैसे ही उन बाइक सवारों ने झपट्टा मारा वो नीचे गिर गई और अचेत अवस्था में हो गई। उसके बाद बाइक सवार फरार हो गई। सूचना मिलने के बाद लोगों ने उस महिला कर्मचारी को निम्स अलवर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी महिला नर्सिंग कर्मचारी कुछ बताने में समर्थ नहीं है कि ये बाइक सवार किधर से आए थे और किधर भाग गए, लेकिन इस संबंध में उसने एक रिपोर्ट दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस मामले को खुलासा कर दिया जाएगा। तो अलवर से यह खबर है जहां पर नर्सिंग महिला कर्मचारी के गले पर झपट्टा मारने का जो मामला सामने आया है। इस सूचना मिलने के बाद में अरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि अलवर निम्स में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी तकरीबन 7:45 पर अपनी ड्यूटी पर भवानी तोप की तरफ से पैदल आ रही थी, तो रास्ते में पीछे से बाइक सवार दो लोग आए और उसके गले पर झपट्टा मारा। जैसे ही उन बाइक सवारों ने झपट्टा मारा तो वो नीचे गिर गई। अचेत अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी तक जो है कोई कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है कि वो लोग किधर से आए और किधर को भाग गए। निम्स अलवर हॉस्पिटल की जो महिला नर्सिंग कर्मी है वो शाम को रात की जो नाइट ड्यूटी में अपने घर से हॉस्पिटल के लिए पैदल पैदल आ रही थी, तो रास्ते में एक बाइक पे दो लड़के सवार जिन्होंने उस महिला के गले पे पीछे झपट्टा मारा, जिससे महिला घबरा गई और शायद गिर भी गई और उठ के वो हॉस्पिटल में आई है। उसने रिपोर्ट बताया तो उसमें पुलिस आई मौके पर, उसे रिपोर्ट दी है महिला ने कि पीछे से मेरे गले पे हाथ मारा और मोटरसाइकिल वाले भगा के ले गए, जो रिपोर्ट हम दर्ज करके नियमन। उधर कोट कासिम थाना पुलिस के ने क्षेत्र के उजौली गांव स्थित बलदेव मंदिर से चोरी की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2 अनाज के कट्टे, 1 इन्वर्टर और घटना में इस्तेमाल किए गए औजार जैसे प्लास, पेचकस और चाबी बरामद की गई है। बता दें कि थाना अधिकारी नंदलाल सिंह जागीर ने बताया कि 26 जुलाई को उजौली के सुंदर सिंह ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में बताया कि 16 जुलाई की रात को बाबा बलदेव मंदिर में 2 से 3 अज्ञात व्यक्ति आए थे। उन्होंने मंदिर के कमरे से इन्वर्टर बैटरी चोरी कर ले गए। इसके बाद से 21 जुलाई की रात को भी उसी मंदिर में 3 कट्टे गेहूं और मंदिर में रखा हुक्का चोरी कर लिया। वहीं तीसरी बार 24 और 25 जुलाई को भी रात में बदमाशों ने उसके खेत से बोरिंग में लगी 50 फीट की केबल और तार जो है चोरी कर लिया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से ये चोर जो है चोरी को अंजाम दिया करते थे। प्रार्थी ने बताया कि इनके पास से जो वारदात में शामिल जो चीजें हैं वो भी बरामद की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि उधर शेरगढ़ में एक मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा लेकर ले गए जाने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि केतो धीरपुरा निवासी श्रवण राम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 अगस्त को रात्रि करीब 2:30 बजे वे मकान में सोए हुए थे। उस दौरान अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लॉकर का ताला तोड़ा, उसमें रखा सोने चांदी का सामान समेत 98,000 रुपए जो है नकदी लेकर फरार हो गए। इधर उधर खोज करने पर 2 चोरों के पैरों के पद चिन्ह मिले। वहीं सूचना के बाद हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उधर राजगढ़ कस्बे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस के लिए कस्बे में लगातार हो रही चोरियां सिरदर्द बनी हुई हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।
वहीं आज राजगढ़ कस्बे के कमेटी की गली स्थित एक मकान के बाहर से चोर बाइक को लेकर फरार हो गए। पीड़ित गुरिया नागन निवासी अशोक बलाई ने बताया कि वो मिस्त्री का काम करता है। आज कमेटी की गली में एक मकान में काम कर रहा था वो, और बाइक गेट पर खड़ी हुई थी, और जब वो बाहर आया तो देखा कि बाइक नहीं थी, जिसकी काफी तलाश की लेकिन बाइक नहीं मिली, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दे दी गई है। वहीं सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा किया, तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से जो है शिकायत के आधार पर अगर बात करें तो मिस्त्रीगिरी का जो है काम करने वाला व्यक्ति जो है एक मकान में काम करने के लिए गया था और बाइक को बाहर जो है खड़ा किया था, लेकिन जब वो बाहर आके देखता है तो उसकी बाइक वहां पर नहीं मिली, तो उसके बाद उसने छानबीन की लेकिन उसके बाद भी उस बाइक का कोई अता पता नहीं लगा। उसके बाद जो है वह नजदीकी थाना क्षेत्र में जो है थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचा, तब जो है पुलिस मौके पर पहुंची। मौके मुआयना करने के बाद जो है पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें कि एक संदिग्ध को उन्होंने ट्रैप किया और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई। उधर पाली जिला पुलिस अधीक्षक चुना राम जाट के निर्देश पर मारबाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना क्षेत्र स्थित व्यापारी गांव के एक मोबाइल की दुकान से ताले तोड़कर 5,30,000 के महंगे मोबाइल और नकदी चोर वारदात का जो है पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने दोषातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100% माल की बरामदी कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। तो मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के बता दें कि चोरी की घटनाएं जो है लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस के लिए कस्बे में लगातार चोरियां सिरदर्द बनी हुई हैं। तो वहीं एक मोबाइल की दुकान से ताले तोड़कर 5,30,000 के महंगे मोबाइल और नकदी चोरी वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100% माल जो है बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोतीना ग्राम पंचायत के कांकर की ढाड़ी गांव में एक मकान के बंद कमरे में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि चाय बनाने पहुंची महिला के लाइटर जलाने के साथ ही हुए तेज धमाके के दौरान महिला बुरी तरह से झुलस गई, जबकि धमाके के साथ कमरे की छत भी उखड़ गई, साथ ही मकान का दरवाजा भी टूटकर गिर गया। वहीं तेज धमाके की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मकान के कमरे की ओर तोड़ पड़े, तो वहीं कमरे में तेजी से धधकती आग के बीच झुलसती महिला को बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकाला गया। झुलसी अवस्था में महिला को शीघ्र नीम राणा के अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि महिला के शरीर का संपूर्ण भाग जगह जगह से झुलस गया है, जिससे उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो चाय बनाने के दौरान जो है यह हादसा सामने आया है, जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि महिला बुरी तरह से जो है झुलसी हुई भी, इसमें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है तेज धमाके के साथ जो है वहां रखा सामान और साथ में कमरे की छत भी उखड़ गई और साथ ही दरवाजा भी बिखर कर गिर गया। तो ऐसे में महिला को शीघ्र नीम नारायण के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के शरीर का संपूर्ण भाग जगह जगह से झुलस गया है, जिससे उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। मकान का दरवाजा भी टूटकर गिर गया और तेज धमाके के साथ जो है आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मकान के कमरे की ओर दौड़ पड़े, तो कमरे में तेजी से धधकती आग के बीच झुलसती महिला को बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकाला गया। झुलसी अवस्था में महिला को शीघ्र नीम राणा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला के शरीर का संपूर्ण भाग जगह जगह से झुलस गया है, जिससे उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। है वो मैं बात भी थी, जैसे अंदर गई पता नहीं लिखी था इंडियन कंपनी का सिलेंडर था, वो जैसे अंदर गई है उसने चलाया है, चलाने के बाद एकदम धमाका हुआ है, मतलब सिलेंडर चलाने के बाद धमाका हुआ है।
सिलेंडर चलाते ही धमाका हो गया। खैर उनको क्या हुआ है? उनको लगी है मतलब चेहरा तोड़ा, हाथ दोनों पैर। कहाँ पे एडमिट कराया आपने? वो है सब सिलेंडर। किस कंपनी का सिलेंडर है? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का सिलेंडर है। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी है अभी? अभी कुछ नहीं। उधर अलवर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के रड़वापुड़ गांव के पास ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शनिवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। बता दें कि पुलिस ने बताया कि मृतक सचिन जाट निवासी सौंख मथुरा का रहने वाला है। वो अपने घर सौंख जा रहा था, तभी रड़वापुर गांव के पास ट्रेलर ने सचिन को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार सचिन की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सचिन छनोब राजगी जाति जाट है, उम्र 26 वर्ष, निवासी सौंप थाना मंगोरा जिला मथुरा यूपी का रहने वाला है। मोटरसाइकिल से अपनी बहन सियालवर से मिलकर के अपने गांव जा रहा था। वो तो रणवापुर से निकलते ही वो टेलर है जिससे एक्सीडेंट हो गया, उसके शरीर में और सिर में गंभीर चोट आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काके निवासी थे ये? सौंख है। सौंख? सौंख हाँ, मगोरा थाना यूपी। मथुरा में रहते हैं? मथुरा सौंख में रहते हैं। सौंख में यहाँ पे कहाँ रहे हैं साहब? यहाँ तो अपनी बहन के पास में आया था। वो उधर शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में शुक्रवार को दिनभर आसमान में घनघोर घटाएं छाई रहीं। वहीं करीब 2:30 बजे अचानक बारिश शुरू हुई, जो करीब आधे घंटे तक बरसती और जिसने मकानों की पर नालों से और सड़कों पर पानी बहने लगा। इस दौरान तहसील कार्यालय शेरगढ़ में 12 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बारिश की दौरान शेरगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार, गांधी चौक आदि गली मोहल्लों में कीचड़ फैल गया, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। तो बता दें कि आसमान से घनघोर घटाएं छाई और उसके बाद करीब 2:30 बजे अचानक बारिश शुरू हुई, जो करीब आधे घंटे तक बरसात होती रही, जिससे मकानों की पर नालों और सड़कों पर पानी बहने लगा। तस्वीर आप देखिए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। और बता दें कि शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में शुक्रवार को आसमान में घनघोर घटाओं के साथ तेज बारिश, मूसलाधार बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई, जिसमें कि 12 मिलीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई है। बारिश के दौरान शेरगढ़ कस्बे में मुख्य बाजार, गांधी चौक आदि मोहल्ले में कीचड़ फैल गया, जिससे लोगों को आवाजाही में तो खासी परेशानी हुई, तो वहीं लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।